नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मोहम्मद रीड करो। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स आर इन्वॉल्वड इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निग्लेक्टेड। देखो अभी हम लोग ने ये जो भी हिस्ट्री देखी, अभी नेशनलिस्टिक देखी, कॉलोनियल देखी, उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद की जो हिस्ट्री देखी, हम लोग ने मोस्टली मेल के नाम सुने, मेल मतलब आदमी लोग के नाम सुने, दामोदर कौशाम्बी, ये कौन थे, श्रीपाद अमृत डांगे, रंजित गुहा, डॉक्टर आम्बेडकर, कहीं पे भी हम लोग ने वुमेन्स के नाम नहीं देखे। तो वुमेन्स की जो भी हिस्ट्री थी वो हमेशा निग्लेक्ट की जाती थी। तो ये निग्लेक्ट होने की वजह से बाद में वुमेन्स ने अपनी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, उसके बारे में हम लोग अभी फेमिनिस्ट हिस्ट्री में देखने वाले हैं। ठीक है आदित्य, इफ यू हियर मी रीड इट, रीड द नेक्स्ट स्लाइड। आदित्य कैन यू हियर मी, सर मैं लीड करूँ का? ओके पुट आवाज। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's. तो देखो अभी मेल डोमिनेंस के वजह से जो भी वुमन का पर्सपेक्टिव होगा, वुमेन्स की जो पोजीशन होगी हिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग उनके बारे में भी जाने। तो इसके लिए अलग अलग वुमेन्स ने क्या किया, अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मेजर टास्क था। पूजा कंटिन्यू कर। Among women authors writing about women in the 19th century, Tarabai Shinde was the foremost one. तो देखो 19th century में जो भी women के बारे में लिखने को जो भी start किया था, उसमें सबसे पहले किसने start किया, ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने क्या किया, पूजा कंटिन्यू। She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. Her book Stri Purush Tulna, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. देखो अभी उन्होंने क्या किया, जो भी male-dominated हमारी system है, पहले से history में चलती आई है, उसको उन्होंने attack किया कि पहले से क्या हो रहा है history में, male लोगों का क्या हो रहा है, dominance हो रहा है, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने एक बुक लिखी जो कि मेल और फीमेल उनको कंपेयर करती थी, उनके कंपैरिजन में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। कभी लिखी 1882 में, तो ईयर भी याद रखो। ये बुक को बोला जाता है कि इट इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, मतलब वुमेन्स ने वुमन के लिए लिखी हुई ये पहली इंडिया में बुक थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 में किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। ओके आकांक्षा रीड कर नेक्स्ट। आकांक्षा कैन यू हियर मी, रीड इट। सर मैं वाचू। वेट वेट यस अथर्वा। हाँ यस सर, रीड करो। इन 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. देखो अभी 1882 में ताराबाई शिंदे ने बुक लिखी, राइट? उसके कुछ सालों के बाद 1888 में पंडिता रमाबाई इन्होंने एक बुक लिखी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अभी देखो ये जो थी पंडिता, उसको आपके नाम से समझ में आ रहा है कि वो खुद हाई कास्ट थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो लोअर कास्ट वुमन थी, खुद हाई कास्ट थी। लेकिन तभी के टाइम पे हाई कास्ट वुमेन्स के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, मतलब वुमेन्स लो कास्ट की हो या फिर हाई कास्ट की हो, उनको एक्सप्लॉयटेशन को उनको उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता ही था। तो जो हाई कास्ट वुमन थी उनकी लाइफ के बारे में कि हाई कास्ट वुमन को क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन
सहने पड़ते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, उसके बारे में पंडिता रमाबाई ने एक बुक लिखी थी। वो बुक का नाम क्या था? द हाई कास्ट हिंदू वुमन। ओके अथर्व कंटिन्यू। यस सर, द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड कंसंट्रेटेड ऑन द इशू लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, मेन ट्रीटमेंट इशू लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ देम वर्क प्लेस देयर right to political equality etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing the Thresholds, Feminist Essay in a Social History is of importance. देखो अभी हम लोग ने ताराबाई शिंदे देखा और पंडिता रमाबाई देखा, ये दोनों जो थी वो प्री इंडिपेंडेंस थी। प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इन्होंने बुक्स लिखी थी। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, वो समय में अलग अलग इश्यूज के ऊपर बुक्स लिखी जाती थी, जैसे कि वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट, या फिर वुमेन्स को वर्क प्लेस पे कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, या फिर वुमेन्स को पॉलिटिक्स में आने को मिलता है कि नहीं, ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बुक लिखी जाती थी। तो अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग को एक ऑथर के बारे में दिया है, मीरा कोसंबी। ठीक है, मीरा कोसंबी जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History. तो उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बुक लिखी थी जिसका नाम था Crossing Threshold. ठीक है, मीरा कोसंबी से आपको याद आएगा हम लोग ने एक और कोसंबी देखा था जिन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में लिखा था, याद आ रहा है किसको? उनका नाम था दामोदर कोसंबी। ठीक है, मीरा कोसंबी उनके जनरेशन में ही आती है। ठीक है, तो मीरा कोसंबी ने क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स ये फेमिनिज्म के लिए बुक लिखे थे। अथर्व कंटिन्यू। इट कंटेन्स एसे ऑफ द लाइफ स्टोरी ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुखामाबाई, The Facing Lady Doctor of India. देखो अभी ये जो बुक थी, ये बुक में उन्होंने किसके बारे में लिखा था? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा कि इन्होंने 1880 बुक में बुक लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमन, तो उनके बारे में ये बुक में लिखा गया था। और डॉक्टर रुखमाबाई जो कि इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी, यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी, आपने 9th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया की जो फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी वो कौन थी? डॉक्टर रुखमाबाई। तो उनके लाइफ के बारे में उन्होंने क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोहम्मद रीड कर। यस सर, मैं बोल अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंगली The viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy in this context. अभी देखो शर्मिला रेगे जो है उन्होंने महाराष्ट्र की जो भी दलित वुमन थी उनके बारे में बुक्स लिखी है। अभी देखो दलित आपको पहले से ही पता, दलित मतलब जो भी बॉटम मोस्ट कास्ट होती है वो। अभी वो बॉटम मोस्ट कास्ट में जो वुमेन्स है उनकी लाइफ कैसे थी उनके बारे में किसने लिखा है? डॉक्टर शर्मिला रेगे। हम लोग ने देखा हाई कास्ट वुमेन के बारे में किसने लिखा था? पंडिता रमाबाई ने हाई कास्ट वुमेन के बारे में। अभी यहाँ पे लो कास्ट वुमेन्स के बारे में लिखा गया है, किसने लिखा है? शर्मिला रेगे ने। क्या लिखा है उन्होंने, कौन सी बुक लिखी है देखते हैं हम लोग। मोहम्मद कंटिन्यू। Yes, sir. Her book writing, caste writing, gender reading, Dalit women's testimonies includes her essay on autobiography of Dalit women. देखो उन्होंने एक बुक लिखी है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टमनी। मतलब टेस्टमनीज का मतलब होता है खुद से खुद के बारे में बताना, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टमनीज। तो उन्होंने लिखा है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर दलित वुमेन्स टेस्टमनी, ये बुक उन्होंने लिखी है जो कि दलित वुमेन्स की स्टोरीज के बारे में बताती है, अलग अलग दलित वुमेन्स के लाइफ स्टोरीज के बारे में
अलग अलग स्टोरीज हम लोग को ये बुक्स में मिलेगी। तो किसने लिखी है बुक? शर्मिला रेगे ने। इसके बारे में लिखी है? महाराष्ट्र की दलित वुमेन्स के बारे में लिखी है। और बुक का नाम क्या है? राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनी। ठीक है। नाउ देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्बरेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर जादुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार जी एस सरदेसाई एंड त्रिंबक शंकर शेजवालकर आर नोटवर्थी। अभी आपको क्या बोला है कि हम लोग ने अलग अलग आइडियोलॉजी देखी, अभी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखी, ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने सबल्टन देखी, सबल्टन के बाद हम लोग ने फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी देखी। ये तीनों आइडियोलॉजी छोड़ के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने लिखा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऑथर्स है? सर जादुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार जी एस सरदेसाई, त्रिंबक शंकर शेजवालकर, ये अलग अलग ऑथर जो है इन्होंने क्या किया है, कोई भी आइडियोलॉजी नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब उन्होंने फीमेल्स के बारे में ही, या फिर बॉटम मोस्ट रैंक के बारे में, या फिर अलग अलग क्लास के बारे में जो कि हम लोग मार्क्सिस्ट में देखते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं लिखा है उन्होंने, नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में लिखा। तो ऐसे कुछ हम लोग को ऑथर के नाम दिए। तो ये तीन चार नाम याद रखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि गिव नेम्स ऑफ हिस्टोरियन हु रोट हिस्ट्री विदाउट एम्बरेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो उसमें क्या क्या नाम आएंगे? जादुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार जी एस सरदेसाई, त्रंबक शेजवालकर, ये सब नाम आएंगे। ठीक है, अभी इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको मिलेगा जी एस सरदेसाई। क्यों? देखो, पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अ मूमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। हिज वर्क बिकम सो फेमस दैट पीपल बिगन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार। ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। अभी एक हिस्टोरियन थे गोविंद सखाराम सरदेसाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी, और वो बुक का नाम था मराठा या फिर मराठी रियासत। रियासत मतलब मराठों का किंगडम, ठीक है, मराठा का जो भी डायनेस्टी था, जो भी किंगडम था, उसके बारे में हिस्ट्री लिखी, जिसका नाम था मराठी रियासत। इनके जो बुक्स है वो इतने फेमस हुए कि लोगों ने उन्हें क्या बुलाना स्टार्ट किया, रियासतकार, इनके बुक से ऊपर से रियासतकार। तो इनका नाम याद रखना, जी एस सरदेसाई, और उनको क्या बोलते हैं, रियासतकार। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। यस मोहम्मद, मतलब वैसे आप जी एस सरदेसाई वैसे लिख सकते क्या? यस यस, यू कैन राइट, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पूरा नाम लिखो। ओके, नाउ यस सर, थैंक यू। एनीवन कैन रीड रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा। ओके, आई हैव म्यूट मोमेंट। अथर्व एंड ओके, अथर्व पहला पॉइंट वाच टू द हिस्टोरियन इन द रिसेंट टाइम ऑफ टाइम हिस्टोरियन लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा हमारे हिस्टोरियंस, अलग अलग हिस्टोरियंस ने जो है अलग अलग बुक्स लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, मॉडर्न टाइम में, एकदम रिसेंट टाइम में। मतलब ये जो है इनका जो पिक्चर देख रहे हैं आप, वो अभी तक अलाइव है। तो रिसेंट टाइम में हम लोग अलग अलग हिस्टोरियंस के नाम देखेंगे। पहला नाम हम लोग ने देखा यशवंत दिनकर फड़के, और दूसरा रामचंद्र गुहा। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया के हिस्ट्री के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, श्रेयस वाच। Thus it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. देखो अभी, हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, यस यस, आई कैन हियर यू आदित्य। ओह, अभी आवाज आया, आप पहले आवाज नहीं आ रहा था। ओके, मे बी यू वॉज हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम। दस इट इज एविडेंट दैट द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो हम लोग ने जो भी अभी तक किए, बुक में चैप्टर्स देखे, इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इंडियन की जो हिस्ट्री है वो किससे अफेक्टेड है या फिर किससे इन्फ्लुएंस है,
अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स है। हम लोगों ने देखा मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में सोशल क्लास के बारे में लिखा गया है, फेमिनिज्म में फीमेल्स के बारे में लिखा गया है। तो अलग अलग इवेंट्स है, हम लोग की हिस्ट्री इंस्पायर्ड है। ठीक है मोहम्मद, लास्ट पॉइंट रीड करो। सर मैं रीड करूँ क्या? मैंने कुछ भी नहीं। बस इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वाज आल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट। देखो अभी हम लोग ने लास्ट में देखा कि ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, अलग अलग आइडियोलॉजी को उन्होंने नहीं अपनाया, उन्होंने नॉर्मली हिस्ट्री के बारे में लिखा, उन्होंने फेमिनिज्म के बारे में नहीं लिखा, मार्क्सिज्म के बारे में नहीं लिखा, सब अल्टन के बारे में नहीं लिखा, नेशनलिस्टिक नहीं लिखा, उन्होंने नॉर्मल हिस्ट्री भी लिखी जैसे कि जादुनाथ सरकार, जी एस सरदेसाई। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ हिस्टोरियंस ने हमारे अलग अलग आइडियोलॉजीज को छोड़ के अपनी खुद की आइडियोलॉजी से बुक लिखी है। ठीक है आदित्य, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. Okay, can anyone answer? Alexander Cunningham. Okay, Aditya, second question read karo. Ye wala. Dash translated the Sanskrit text of हितोपदेश फ्रेडरिक मैक्समुलर। मैं बोला फ्रेडरिक मैक्समुलर। ओके मोहम्मद, ओके सेकंड क्वेश्चन बी वाला, आदित्य रीड करो। यस, हु वेयर द सूरदास डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। आगे पूरा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1850 है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री सुनाए थे। ओके राइट, थर्ड वाला ये जो सेकंड क्वेश्चन है बी, उसमें थर्ड वाला रॉन्ग है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को है तो हम लोग नेशनलिस्टिक हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है मार्क्सिस्ट नहीं बोलेंगे, नेशनलिस्टिक। ओके यस सर। देखो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट रीजन। राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। अभी हम लोग ने जब नेशनलिस्टिक हिस्ट्री देखा था उसका लास्ट पॉइंट हम लोग ने देखा था कि नेशनलिस्टिक हिस्ट्री के वजह से अलग अलग रीजन के लोग अपनी हिस्ट्री लिखने लगे, तो उसमें नेशनलिस्टिक हिस्ट्री का आंसर आएगा। बकर आपको पता है, बकर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, बकर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एम्परर बाबर ऑटोबायोग्राफी। तो आपको बाबर के, तुजू के बाबरी के बारे में लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है कि उसका नाम तुजू के बाबरी है, किसने लिखा है, एम्परर बाबर ने लिखा है। ठीक है फिर उसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में लिखना है, उसमें लिखा है उसके वॉर्स के बारे में, क्या क्या वॉर उन्होंने लड़े उसके बारे में, और इंडिया के अलग अलग कस्टम्स के बारे में, इंडिया के फ्लोरा फौना एनिमल फ्लावर्स के बारे में भी लिखा है। वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावरकर, तो उसमें आपको क्या लिखना है, उनकी बुक के बारे में लिखना है। पहले तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का आपको ये देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या है, उसके बारे में सावरकर के बारे में लिखना है और उनकी बुक के बारे में। बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ओके सर। 1857। फिर देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, आपको मार्क्सिस्ट के कॉलम के बारे में लिखना है और यहाँ पे वी के राजवाड़े के बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मराठांच्या इतिहासाची साधने ये बुक्स लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने पुणे में भारत इतिहास सामशोधक मंडल एस्टेब्लिश किया है, वो भी लिखना है। फिर यहाँ पे सिंपल है देखो, ओरिएंटलिस्ट नेशनलिस्टिक और सबल्टर्न, इसके बारे में नोट लिखना है। ठीक है अभी यहाँ पे देखो, जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंड डफ्स, क्या आएगा आंसर बताओ। ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश नहीं नहीं, बुक के बारे में लिखना है, उनकी बुक कौन सी थी, मैंने आपको बताया था मराठाओं के बारे में उन्होंने नेगेटिव लिखा था, जिसको एक्सपोज करने का काम वीके राजवाड़े ने किया था और नीलकंठ जनार्दन ने किया था। उनकी बुक का नाम बोलो, मैंने आपको ये भी बोला था कि उसमें उन्होंने स्पेलिंग भी देखी अलग ही लिखी है। History of Marathas. Yes, the history of Marathas. Right. The history of India. ये किसने लिखा है बुक?
I will give you a hint. He was governor of Bombay. उनके नाम का एक कॉलेज भी है. बताओ. जेम्स मिल जो है उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी. उनके बाद ही हम लोग ने इनका एग्जाम्पल देखा था. हिस्ट्री ऑफ इंडिया मराठांच्या इतिहास ना सर. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. क्या नाम था सर मराठांच्या इतिहास ना. व्हाट मोहम्मद दूसरा. आई कांट हियर यू मोहम्मद. ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे आंसर क्या आएगा. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. देखो मेरा पॉइंटर जहाँ पे वहां पे. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी. वो क्या थे. गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे. ठीक है. उन्होंने भी कैसा लिखा है. कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से लिखा है. मतलब ऑलमोस्ट सब नेगेटिव लिखा हम लोग के बाद. श्रीपाद अमृत डांगी की बुक का नाम बताओ. प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. हु वेयर द शूद्रास. कितने किसने लिखा है. आदित्य यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. देखो यहाँ पे पहले आपको लिखना है कि बुक का नाम क्या है. फिर बुक किसने लिखी और बुक में क्या लिखा है. ठीक है. तो देखो जियाउद्दीन बरानी ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या था. तुजुके फिरोज शाही. तो इधर क्या आएगा. तुजुके फिरोज शाही. तुजुके बाबरी. यहाँ पे क्या लिखना है. किसने. बाबर. बाबर. बाबर आएगा. एम्परर बाबर. देखो यहाँ पे लिखा ना एम्परर बाबर. वो नाम आएगा यहाँ पे एम्परर बाबर. कलाना ने कौन सी बुक लिखी थी कश्मीर के बारे में. एक मिनट. राज तरंगिनी. राज तरंगिनी. राज तरंगिनी. राज तरंगिनी. देखो अब ये जो फोर्थ है ना फोर्थ. यहाँ पे जो एम्परर बाबर लिखा है वो गलत है. वहां पे एम्परर बाबा नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा वो बताता हूँ मैं. यहाँ पे आपको पहले आएगा सभासद बखर. जहाँ पे एम्परर बाबा लिखा वहां पे क्या आएगा. सभासद. सभासद बखर. किसने लिखा है वो. कृष्णा जी सभासद ने लिखा है. किसने लिखा है. कृष्णा जी सभासद. ओके सबको. एक्सरसाइज समझ में आई. यस सर. ठीक है. सो हम लोग का सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया. इसका होमवर्क में सबको जो होमवर्क आप थोड़े कम दे ना प्लीज. ओके इम्पोर्टेंट. ठीक है सब लोग याद रखो होमवर्क. हाँ सर इसका वीडियो सेंड कर दो. हाँ मैं इसका वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू. बाय एवरीवन. बाय सर. टेक केयर.